हेलो दोस्तों, हाय, मैं सनी, आपका दोस्त। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो वर्कआउट रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा डाइट रिलेटेड है। सो आई वांट टू शेयर माय वन ऑफ माय यू नो रेसिपीज, फेवरेट रेसिपीज़ विद यू, जो कि हेल्प करती है मुझे क्रेविंग्स को अवॉइड करना। एंड देन एट द सेम टाइम इट्स वेरी इजी टू मेक एंड हाई इन फाइबर। वेजी पीपल के लिए भी जो ये एक अच्छी है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट बनाने वाला हूँ। तो बेसिकली होता क्या है ना, लोगों को पता है कि क्या नहीं खाना, पर लोगों को ये नहीं पता कि क्या खाना चाहिए, तो इसलिए उनकी डाइट ख़राब हो जाती है, या वो बहुत चिड़चिड़े से रहते हैं तो उनकी क्रेविंग वेविंग काफ़ी बढ़ जाती है, तो वो मोटिवेशन लैक कर जाते हैं एंड देन दे लूज़ दे मोटिवेशन एंड यू नो देन दे लूज़ डाइटिंग ख़राब हो जाती है, फिर कर नहीं पाते। तो एक बार टूट जाती है, क्योंकि क्रेविंग के लिए कुछ और खाते हैं तो टूट जाती है, फिर करनी मुश्किल होती है। मैं इसको अपनी क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए खाता हूँ बीच बीच में। आप चाहें तो इसको रेगुलर अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो डाइट है वो एग्स एंड ओट्स है, पर क्योंकि वेजी पीपल के लिए भी बनानी है तो हम यहाँ पे एग्स की जगह जो है मूंग साबुत का पेस्ट जो ईजिली अवेलेबल होता है, विच इज़ सरप्राइजिंगली वेरी हाई इन प्रोटीन एंड गुड इन मिनरल्स। तो ओट्स आपका गट के लिए भी बहुत अच्छा है। सो ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट करते हुए लेट्स गो टू द किचन एंड मेक दिस डिलीशियस चटपटी रेसिपी, इजी टू मेक, हाई इन प्रोटीन एंड हाई इन फाइबर। लेट्स गो टू द किचन, स्टे विद मी एंड आई विल शो यू हाउ। तो सबसे पहले तो दोस्तों पैन में ऑलिव ऑयल गर्म कर लेते हैं। माय पर्सनल फेवरेट इज कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड देसी घी। फिर साथ में थोड़ा सा जीरा भून लेते हैं और वहीं पे जो है आपको चॉप्ड अनियन जो है अपने साथ रखना है एंड ग्रीन चिली एक बहुत है स्पाइसी के लिए। तो इसको जितना आप सिंपल रखेंगे उतना बढ़िया, जल्दी प्रिपेयर होगा। फिर ऑनियंस को जब तक वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होए तब तक स्टिर करते रहें। Add some fine chopped tomatoes. Tomatoes का taste अच्छा आता है and they're very good for your hair because they rich in isoleucine, जो कि hairs के लिए बहुत अच्छा होता है। कच्चा भी खाना चाहिए इंसान को वैसे भी salad के अंदर। मैंने यहाँ पे about like 2-3 gram salt, 2-3 gram हल्दी and paprika, but आप अपने taste के accordingly डाल सकते हैं, जैसा भी आपको टेस्ट सही लगे। थोड़ा सा लाल मिर्च ज़्यादा या नमक कम, सफ़ेद नमक की जगह आप सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ब्लोटिंग का ज़्यादा चक्कर रहता है, क्योंकि वाइट सॉल्ट से ब्लोटिंग ज़्यादा होती है। एंड यहाँ पर मैं जस्ट एग यूज़ कर रहा हूँ, ये मूंग दाल का पेस्ट ही है, बट हो सकता है आपके यहाँ पर जस्ट एग्स अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल मूंग दाल का पेस्ट कहीं पर भी अवेलेबल होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। कीप स्टिरिंग। अब अबाउट 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स ऐड करें। ओट्स को एक टेबलस्पून जो होता है जिससे आप चावल और खाते हैं, दैट इज़ अबाउट लाइक 10 ग्राम्स, तो 5 चम्मच उसके भर के, तो मेक्स इट 50 ग्राम्स। एंड थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा गुई टाइप लाइक फेस टाइप बनाना है, मुझे खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। यम्मी, नाउ फूड इज रेडी। आप इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपके साथ कैसी बनी है कमेंट के अंदर ज़रूर लिख के बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो बहुत ज़रूरी है। कमेंट में कैसे लगा आपको फिर ज़रूर बताएं, आपने ट्राई किया 5 मिनट 10 मिनट। मुझे पर्सनली थोड़ी हॉट सॉस पसंद है तो मैं इसके साथ हॉट सॉस खा रहा हूँ। आप चाहें तो चाट मसाला एंड थोड़ा सा नींबू डाल के खा सकते हैं एंड मैं मानिए सच बात आपकी तृप्ति हो जाएगी, तृप्ति मन की नीयत भर जाएगी।
So on this note, I would like to say bye-bye and have fun and enjoy the diet and keep dieting, keep working out, stay healthy. Bye-bye.